सो हेलो गाइज कैसे हैं आई होप के आप अच्छे होंगे तो गाइज़ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईसी के नीचे के जो टिप्स होते हैं जो बोर्ड पे जो टिप्स होते हैं उनको हम आसान तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हैं बिना कोई प्रिंट डैमेज किए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ और गाइज़ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो नॉन पेस्टेड आइसियाँ होती हैं जो छोटी आइसियाँ होती हैं उनको आप इजली तरीके से मतलब कैसे निकाल सकते हैं बिना कोई प्रिंट डैमेज के अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लेकिन गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आईसी के नीचे के जो टिप्स होते हैं बोर्ड पे जो टिप्स होते हैं उनको आप आसान तरीके से कैसे क्लीन कर सकते हैं बिना कोई प्रिंट डैमेज के तो गाइज़ इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है कि हल्का सा यहाँ पे पेस्ट लेना है आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट लिया है जो रिलाइफ़ का ये पेस्ट है गाइज तो यहाँ पे आपको हल्का सा जो पेस्ट है उसको ले लेना है और सिंपली आपको जो आईसी के जो टिप्स हैं उस पर लगा देना आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो बोर्ड है इसके ऊपर जो फ्लेक्स है जो पेस्ट है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया अब गाइज़ उसके बाद आपको एक काम और करना है कि हल्की सी आपको जो पी जो पेस्ट होता है वो भी आपको यहाँ पे लेना है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो पी पेस्ट है वो कैसा होता है देखिए गाइज ये वाला जो पी पेस्ट है जिससे हम आईसी को रिवोल्व करते हैं ये भी आपको यहाँ पे लेना है और यहाँ पे लगा देना है ठीक है अब अब गाइज आपको क्या करना है कि जो आयरन है आयरन की मदद से सिंपली आपको आईसी के नीचे के जो टिप्स हैं जिन पे जो पी लगा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको चेंज करना है ठीक है यहाँ पे मैं जो पी यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 183 तो गाइज आप देख सकते हैं कि आयरन से ऐसे करके आपको जो आईसी के नीचे की जो टिप्स हैं जिन पे जो पीपीडी लगा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए आपको एक बार जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे चेंज कर लेना ताकि आप जब भी इस पर डी शोल्डर वायर का यूज़ करें तो आसानी से जो बॉल्स हैं वो क्लीन हो जाए अदरवाइज़ आप ऐसे डायरेक्ट भी जो आई सी के जो बॉल्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो इससे गाइज़ आपकी जो बॉल है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी और आपके जो प्रिंट हैं वो डैमेज होने के चांस हैं काफ़ी कम हो जाएंगे अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके हैंड स्किल अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने से गायज काफ़ी ज़्यादा जो चांस हैं वो आ, रहते हैं कि आपके जो आईसी के जो नीचे के जो प्रिंट हैं वो डैमेज नहीं होंगे तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है कि ऐसे करके जो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज कर देना है क्योंकि जो पहले से जो पी लगी होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है और वन आपको यहाँ पर यूज़ करना है पी और सिंपली आपको इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक बार यहाँ पर चेंज करना है उसके बाद गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको डी वायर लेना है आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आगे से जो डी वायर है उसको थोड़ा सा हल्का सा आगे से मोड़ के रखा है तो ऐसे आप यहाँ पे, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हैं सिंपली आपको जो डी वायर है वो आप आपको यहाँ पे ले लेना आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली सिंप्लीज आपको क्या करना है कि अब आपको जो आईसी है उनके जो टिप्स हैं उनको क्लीन करना है और वो भी आयरन की मदद से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हल्का से यहाँ पे लगाया और उसके बाद सिंपली आपको बिल्कुल हल्के हाथ से गाइज़ जो डी शोल्डर वायर है उसको चलाना है और आपकी जो आईसी सी की टिप्स हैं उनको क्लीन करना है बिल्कुल हल्के हाथ से आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पे जो आईसी है उसके जो टिप्स हैं वो यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ अगर आप यहाँ पे हल्का सा अगर उसको दबा देंगे या फिर आपका जो डी शोल्डर वायर है वो अगर आई सी पे के जो टिप्स हैं उन पर चिपक जाएगा तो आपके जो आई के जो प्रिंट हैं वो डैमेज हो जाएंगे या फिर आप ऊपर से इसको दबा देंगे तो गाइज़ जो आई के जो टिप्स हैं वो आप अंदर कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद गई आपको यहाँ पे जो ग्रीन पेस्ट है उसका यूज़ करना पड़ेगा मतलब जो प्रोसेसिंग वो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको हल्के हाथ से बिल्कुल करना आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं बिल्कुल हल्के हाथ से कर रहा कराऊँ बिल्कुल हल्के हाथ से आपको यहाँ पे जो आईसी के टिप्स हैं उनको क्लीन करना है ताकि आपकी जो प्रिंट हैं वो डैमेज ना हो और आपस में कनेक्ट ना हो तो सिंपली गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं आसान तरीके से मैंने यहाँ पर जो आई सी के टिप्स हैं उनको यहाँ पर क्लीन कर दिया है चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको क्लीन करके दिखाता हूँ तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो आई के टिप्स हैं वो एक भी ये जो टिप्स है वो डैमेज नहीं हुआ और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लीन हो चुका है तो इस प्रकार से गाइज आप जो आईसी के नीचे के जो बोर्ड के जो टिप्स होते हैं उनको बिल्कुल ईजी तरीके से क्लीन कर सकते हैं बिना कोई प्रिंट डैमेज किए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा जो बोर्ड है वो यहाँ पे क्लीन हो चुका है तो गाइज आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और गाइज आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप बड़ी से बड़ी जो है उसको कैसे निकाल सकते हैं छोटी से छोटी आईसी कैसे निकाल सकते हैं कैसे रिवोल्व कर सकते हैं और ब्लैक पेस्टेड आईसी को कैसे निकाल सकते हैं कैसे क्लीन कर सकते हैं कैसे रिवोल्व कर सकते हैं सब कुछ जो जानकारी है वो मैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर देने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना